केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला अपनी आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेदार थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके रूपनवाल ने अपने 41 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाला जाना सबसे तार्किक फैसला था जो यूनिवर्सिटी ले सकती थी। 26 वर्षीय रोहित ने निजी हताशा के कारण आत्महत्या की, न कि भेदभाव किए जाने के चलते। रोहित की मां ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को दलित बताया। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने केवल अपना दायित्व निभाया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को आत्महत्या की थी। 28 जनवरी 2016 को मानव संसाधन मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। रोहित की आत्महत्या के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। रूपनवाल ने रोहित वेमुला की जाति की भी विस्तृत पड़ताल की। उन्होंने रिपोर्ट में 12 पन्नों के अपने निष्कर्ष में 4 पन्नों में रोहित की जाति के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट में इसकी पड़ताल की गई कि क्या रोहित की मां राधिका माला दलित समुदाय से है या नहीं। रूपनवाल रिपोर्ट के अनुसार राधिका ने खुद को माला समुदाय का बताया ताकि उनके बेटे रोहित को जाति प्रमाण पत्र मिल सके। रोहित वेमुला का जाति प्रमाण पत्र पूरी जांच किए बिना दिया गया था और चूंकि उनकी मां माला समुदाय से नहीं आती इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं था। ऐसे में एक बार फिर उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है जो एक छात्र की खुदकुशी पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे।